सुरीली कॉल पे आप आ जाइए, बहुत शुक्रिया आप सबका। जल्दी ये बता दें कि क्या प्रोजेक्ट है, किसके साथ मिलकर? इसका जो टाइटल है वो सोचेंगे है, ये फीचरिंग हुई है प्रीत के साथ। प्रीत ये हमारी जो मॉडल है, उसमें इसकी प्रोड्यूसर एंड प्लस जो सॉन्ग राइटर और कंपोजर वो भी प्रीत ही है, और उनके साथ ये सारा प्रीत एक दोस्त है हमारी पुरानी, यूएस में होते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि हम कुछ मिलकर कुछ बनाएंगे सॉन्ग। वो फिर फाइनली इसका शूट जो हमने दुबई में किया था, तो एक बहुत ही आपने देखा गाना, एक रोमांटिक एक मेलोडी है, एक एक बिल्कुल प्यारा सा सॉन्ग है। तो सिंपली सियासी गानों से इस गाने तक के सफर को किस नज़र में देखता है? असल में एक अल्लाह ने जब कुछ एक कार्ड दिया होता है, गला दिया होता है, तो हमारा तो अब तो मजदूर है, हमसे जो मर्जी कार्ड ले लिया है, तो हम तो रेडी होते हैं। वो आया हमारी औकात नहीं हो, आया कोई सियासी जमात हो, हम कोई कैसा अपना जो आवाज़ है वो हम अपनी उस वो सेल करते हैं। कुछ आपकी कुछ मोहब्बत होती है, कुछ आपके फेवरेट लोग होते हैं और जिनके लिए आप ज़्यादा दिल से करते हैं, वो ऑब्वियसली हमारी पाक फौज है, और जिसके लिए आप एनी टाइम एनी जैसे भी उनकी कॉल्स आती हैं। मैंने बड़े बहुत से ऐसे शोज़ किए हैं, बहुत से GHQ में हमारे जो 6 सितंबर के हवाले से बहुत से माशा हमारी बड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली तराना के लिए जो पाक आर्मी के हैं, और बस। अच्छा, इस गाने के जो आपने वीडियो जो क्रेडिट्स वगैरह नहीं बताए, शायद वो बता दें। क्रेडिट्स में इनकी जो डायरेक्टर है वो सुख जी है, एक बहुत प्यारी बहनों की तरह। वैसे सही बताऊँ तो ये एक बहुत ही प्यारी फैमिली है, वो पूरी तरह एक हमारे फैमिली ओरिएंटेड से एक मोहब्बत है, तो वो मेरी बहन बनी हुई है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। इसके जो DOP है वो शहजादा गिल है, और इनके जो जो MM डिज़ाइनर है, जो इनके जो ग्राफिक डिज़ाइनर में MM डिज़ाइन ने किया हुआ है, तो ये एक टीम वर्क है, एक सारा एक खूबसूरत आपने देखा है, तो ये सारा इस तरह। ईमान का मैं थैंक्स करूँगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमारी दोस्त है वो आई है, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको क्या सपोर्ट करने हैं, आप तो माशाल्लाह इतना आपका नाम है, तो आप मेरे सीनियर हैं, और जैसे मुझे पता चला तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो बहुत ज़रूरी है जाना। बाकी गाना बहुत अच्छा है, वीडियोस बहुत अच्छी है, तो गाने में है कि लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे लोग क्या कहेंगे ना, तो लोगों की परवाह नहीं करो, प्यार करो, छोटी सी जिंदगी है, प्यार करो, बेशक कोई भी प्यार हो, लेकिन वो प्यार बांटो बस। तो इस गाने का मकसद भी प्यार ही है, प्यार बांटना। म्यूजिक इन्हीं से सीखा है, तो मैं जहाँ भी अली आवाज़ भाई होंगे वहाँ मैं होऊंगा, क्योंकि मतलब हमने क्या सपोर्ट करना है, बल्कि ये हमें सपोर्ट करते हैं। और ये गाने के हवाले से अली भाई को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और पूरी टीम को, जितनी भी सारी टीम है, और आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। देते आए प्यार, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, आजकल आपको पता है वो प्राइवेटली हर बंदा कुछ ना कुछ कवर सॉन्ग में या कुछ मेरा वैसे चलता ही रहता है ये, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ये गाना आप शायद देखा होगा अपने वीडियोस, ये सारा दुबई में और वहाँ अच्छी लोकेशंस पे, ये इस तरह का गाना शायद मेरा पहला ही होगा, और ये काफ़ी देर के बाद ये गाना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, असल में इसका होना यही चाहिए कि आपके ऑप्शनली कुछ 3-4-5 सॉन्ग ऐसे हो, क्योंकि एक गाने पे आप इतनी उम्मीद भी नहीं लगा सकते, सो ये होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन आजकल आप देखें, इस मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत हाईली बजट का एक वीडियो है, और इसका जो म्यूज़िक है, तो अब ऑब्वियसली जो 5-6 गाने इस लेवल पर बनाएंगे तो वो तो फिर
बंदा फंस ही जाएगा। लेकिन वैसे मैं मेरी जो है वो ये है कि आजकल YouTube है, आप अपना जो भी गाना करें या जो भी ऑडियो बनाएं वो आपको मिनटों में आप जहां चाहें उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि तो वो एक अच्छी ऑप्शन भी है। लेकिन थोड़ा सा जब हम एक प्रोफेशनली वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए एक आदि बन सकती है, मेरा ये तो यही है। मैं कुछ नहीं किया अभी, देखने जा रहा है।